हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुकंद सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवलर सुकंद सरंगी। तो मैं और एक भुवनेश्वर सीरीज़ का पार्ट 5 मंदिर में आ गया हूं। परशुरामेश्वर, वही मुक्तेश्वर मंदिर के नज़दीक में ही है, पूरा सटा हुआ है बोल सकते हैं। ये भी एक ठो 11वीं शताब्दी का मंदिर है, शिव जी का ही मंदिर है। चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं इसको। परशुरामेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको जो पूरी वाला रास्ता है उसी रास्ते में, जो पुराना रास्ता है उसी रास्ते में जा सकते हैं। फिर रवि टॉकीज से राइट साइड जो रास्ता जाता है बिंदु सागर की तरफ, उस रास्ते में जाइए। फिर बिंदु सागर से सटा हुआ एक रास्ता रहता है परशुरामेश्वर तरफ, केदारगुरी मंदिर की तरफ, वही रास्ता लेने से आपको पहले परशुरामेश्वर टेम्पल आएगा। नहीं तो आप फिर कल्पना स्क्वायर से सीधे आप आ सकते हैं जो मौसीमा मंदिर, फिर उधर से बिंदु सागर वाला रास्ता, फिर वहीं से फिर राइट साइड लेके परशुरामेश्वर मंदिर आ सकते हैं। ये आप देखिए, ये है परशुरामेश्वर मंदिर, और उस तरफ जो देख रहे हैं उस तरफ है आपका मुक्तेश्वर मंदिर। बस उसी के डक साइड में ही ये परशुरामेश्वर मंदिर है, और देख रहे हैं बाहर में कितना बड़ा शिवलिंग है। ये देखिए, करीब 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 नहीं तो कम से कम 4-4.5 फीट का तो होगा ही। मैंने कभी कोई मंदिर के सामने ऐसा नहीं देखा हूँ शिवलिंग, और उस तरफ भी एक तो शिवलिंग है, देख पा रहे हैं। मंदिर की कारुकाल, मतलब जो पत्थरों में किया गया नक्काशी, वो तो देखने लायक है। मैं आपको मंदिर का एक पूरा चक्कर लगाता हूँ। ये देखिए नवग्रह, देख रहे हैं, ये है नवग्रह, ये देखिए, गिन लीजिए, देखिए नवग्रह मूर्ति बनाया गया है। एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है ताकि लोग रिलैक्स कर पाए। ये देखिए क्या मंदिर है, क्या नक्काशी है, देखने लायक। ये देख रहे हैं, ये भगवान कार्तिकेय हैं। ये देखिए गणेश जी का एक मूर्ति, बहुत कुछ मिट गया है, फिर भी जो कुछ बचा है वो ही अपने आप में बड़ा अचंभा है। परशुरामेश्वर मंदिर जो है ये 7वीं शताब्दी का मंदिर है, और ये कहा जाता है भुवनेश्वर का सबसे पुराने प्राचीन मंदिरों में से एक है। और इसका एक अनोखा चीज क्या है, इसका शिवलिंग जो है एक तो शिवलिंग बाहर में ही, जस्ट नॉर्मल शिवलिंग मंदिर के बाहर में ही है प्रेजेंट, और ये सेलोब जो भवज हैं, सेलो भवज, उन्हीं के टाइम का ये मंदिर बनाया गया है, क्योंकि शिवजी उनके मेन देवता थे। चले अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये है परशुरामेश्वर शिवलिंग। देखिए कितने माहिन कारीगरी का काम किया गया है परशुरामेश्वर मंदिर में। ये देखिए परशुरामेश्वर मंदिर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मैं फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं, अभी एक्सप्लोर करता हूं और क्या क्या मंदिर है। शायद ये वाला आज का जो पार्ट है, पार्ट 1 सीरीज, उसका ये आखिरी वीडियो होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।